हेलो दोस्तों, एक नए दिन और एक नई सुबह और एक नई वीडियो। दोस्तों, आज मैं व्हाट्सएप के बारे में ए टू जेड सेटिंग के बारे में बताऊंगा, फुल जानकारी आपको दूंगा व्हाट्सएप के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो है व्हाट्सएप के बारे में किसी ने ऐसी जो है नहीं बताया होगा। दोस्तों, आप ये ग्रुप देख रहे हैं, आप अगर नया यूज़र हैं व्हाट्सएप यूज़र, तो देखिए ग्रुप जो है आपको ऐड कर देते हैं आपके दोस्त। उसके लिए थ्री डॉट पे आइएगा, इसमें जो आइएगा सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी में आइएगा। उसके बाद यहाँ जो ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और जो है माई कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उस तरीके से मेरे पास तो अभी 3 नंबर है, आपके पास जितने भी नंबर है सब पे मार्का मार देना है। मारने के बाद यहाँ जो है ओके का निशान दिख रहा है, ठीक है, ओके का निशान पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है ये तीनों दोस्त जो है आपका ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, अगर हटाना चाहेंगे तो सिंपली उसी तरह मार्का हटा देना है उसके नंबर से, और माई कॉन्टैक्ट पर आ जाना है, ठीक है। इसी तरह अब वो ग्रुप में ऐड कर सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब तक नहीं हटाएंगे वो ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता दोस्तों। किसी जगह आप मैसेज चेक करते हैं और आप चाहते हैं कि उनको पता ना लगे, उसके लास्ट सीन जो उनको ना दिखाए, तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ जो लास्ट सीन दिख रहा है उस पर आइएगा, यहाँ जो है नो बॉडी कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप उनका मैसेज चेक भी करेंगे तो उनको लगेगा कि मतलब जो है मैसेज नहीं चेक किया है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह और जो है यहाँ फिंगर लगा सकते हैं, यहाँ आइएगा फिंगर, यहाँ ओके कीजिएगा, फिंगर लगा दीजिएगा। फिंगर व्हाट्सएप में आपके फिंगर के अलावा कोई खोल ही नहीं सकता व्हाट्सएप, और अगर फिंगर हटाना हो तो सिंपली वहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा, बस फिंगर लॉक बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब मैं यहाँ पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ग्रुप आपका पर्सनल है आप रखना चाहती हैं, तो नोटिफिकेशन बार बार आता है, तो उसको नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, म्यूट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका ऑफ किया हुआ रहेगा, ठीक है। मेरा भी ऑफ था लेकिन मैंने इसको ऑन किया है, ऑलवेज पे क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह जो है कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जो है मतलब मोबाइल वाइब्रेशन नहीं मारेगा। और दोस्तों, क्लियर चैट जो है, ये चैट आप कोई भी भेजता है, बहुत सारे आप एक एक करके डिलीट करते हैं, लेकिन आप एक बार में सब कुछ सारा सिस्टम डिलीट कर सकते हैं, सारा मैसेज वगैरह। तो इसी तरह जो है थ्री डॉट पे आइएगा, आने के बाद मोर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ क्लियर चैट लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सारा साफ़ हो जाएगा सफा चैट, ठीक है दोस्तों, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप कभी स्टेटस लगाए और आप चाहते हैं कि मेरा वो फलाना बंदा जो है फलाना फ्रेंड मेरा स्टेटस ना देखे, तो आप ना क्या, यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको माई कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, यहाँ पे आप चाहते हैं कि सबसे ऊपर वाला बंदा ना देखे तो उस पर मार्का मार दीजिएगा। मार्का मारने के बाद यहाँ ओके कर दीजिएगा दोस्तों। ओके करने के बाद जो है वो बंदा जो है सबसे ऊपर वाला बंदा जो है वो मेरा स्टेटस उनके पास पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। हटाना है तो सिंपली जो है हटा दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा और माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह जो है आप स्टेटस छुपा सकते हैं किसी पर्सनल लोगों से, ठीक है दोस्तों। और मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, और ये चीज़ गौर से सुनिएगा दोस्तों, आप जो है एक बार में मैसेज करते हैं सिर्फ 5 ही लोगों को जाता है, तो ऐसा नहीं है। एक सेटिंग है जिसके मदद से आप जो है 1000 लोगों को मैसेज कर सकती हैं। जी दोस्तों, यहाँ जो लिखा है माई, यहाँ जो दूसरा नंबर पे लिखा है न्यू, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो मेरे पास उस फिलहाल 3 ही नंबर है, लेकिन यहाँ जो है आप मार्का मार दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है दोस्तों, 3 सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, 3 लोग इसमें ऐड हो चुका है। ये ग्रुप के जैसा दिखेगा, सिर्फ आपको ग्रुप के जैसा दिखेगा और लोगों को किसी को नहीं। मैसेज अगर आप करेंगे, ये हालांकि ग्रुप के जैसा दिखता है लेकिन ग्रुप है नहीं, मैसेज अगर आप करेंगे पर्सनली उनके पास ना सिंगल ही जाएगा, उनको लगेगा कि सिर्फ जो है मुझे ही मैसेज किया है, ठीक है दोस्तों। आपके पास ग्रुप बन के रहेगा लेकिन उनके पास जो है सिंपली आपका नंबर सिर्फ जाएगा, तो उनको लगेगा सिर्फ मुझे ही मैसेज किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप किसी को हटाना भी चाहते हैं यहाँ से जो है आप किसी, देखिए अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक बार मैं सिर्फ 5 ही लोगों को गया ना, देखते हैं 5 ही लोगों को गया मैसेज। अब जो है इस ट्रिक से जो है मैंने अभी आपको बताया, इस ट्रिक से जो है 5 लोगों को नहीं, आप जो है 1000 2000 आपके पास अगर नंबर है तो उन 2000 लोगों को भी मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ मेरे पास तो फिलहाल 3 ही नंबर है, क्योंकि ये मोबाइल जो है न्यू मोबाइल है। तो यहाँ जो है आप किसी को हटाना भी चाहते हैं तो दोस्तों सिंपली करना है क्या, यहाँ पर आइएगा और क्लिक कीजिएगा, वो देखिए रिमूव लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके कर दीजिएगा, ये वो हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप अगर ये डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली जो है डिलीट का ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह बना सकते हैं, और ग्रुप डिलीट करने का तो ऑप्शन जानते ही होंगे, सबसे ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है एक मरतबा और डिलीट करना होगा, वो हो गया, निकल गया आप ग्रुप से, लिफ्ट हो गए, और एक तरह एक मरतबा जो है डिलीट कर दीजिएगा दोस्तों, हो गया ये ग्रुप खत्म काम दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं तो वॉलपेपर जो है लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि चैट पर वॉलपेपर लगाते हैं ना, होम चैट पर, देखिए यहाँ जो है वॉलपेपर लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे कोई और चीज़ ले सकते हैं सिंपली, और जो है आप अपने
फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने भांजा का फ़ोटो यहाँ पे चूज़ कर लिया। करने के बाद यहाँ जो नीचे आपको दिख रहा है सेट वॉलपेपर, अगर यहाँ पर ऊपर वाले में क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक ही पेस रहेगा जिसका नंबर पर आप करेंगे, और यहाँ फोर ऑल पर क्लिक कीजिएगा तो हर किसी का जो है चैट होम पे जो है आप ही का फोटो दिखेगा, मतलब आपके पास हर किसी आपके व्हाट्सएप में हर किसी का होम चैट पे आप ही का नंबर दिखेगा। करने के बाद ओके कर दीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा भांजा का फोटो लग गया, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्लियर चैट करके। दोस्तों देखिए यहाँ जो मेरा भांजा क्यूट भांजा का फोटो जो है लग गया है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ व्हाट्सएप के ज़रिए जो है लाइव लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। हालांकि मेरे सिस्टम में थोड़ा अभी प्रॉब्लम है क्योंकि न्यू मोबाइल है, इसीलिए दोस्तों यहाँ लाइव लोकेशन का ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो पहले वाला मोबाइल था मैंने उसमें जो है चेक कर रखा था, मैंने सिस्टम कर रखा था। यहाँ जो कुछ मांगेगा आप दे देना, आईडी वीडी जो कुछ जीमेल आईडी मांगेगा दे देना, आपका लाइव लोकेशन चेक करने वाला बन जाएगा। हेलो दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ मैं नया देखा हूँ क्योंकि न्यू अपडेट आया है व्हाट्सएप का, जो कि मैंने कभी फ़िलहाल जो है नहीं आया था, मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि न्यू अपडेट आया है। दोस्तों यहाँ आप दूसरे नंबर पे जो दिख रहे हैं यहाँ मेरे ख्याल से जो है ये बैकग्राउंड पीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे फेसबुक में लगता है और यूट्यूब में लगता है जैसे बैकग्राउंड पीक, उसी तरह के जो है आपके पिक के डीपी के बाद बैकग्राउंड पीक लगता है ना, उसी तरह जो है ये बैकग्राउंड पीक है मेरे ख्याल से। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो है होट लाल जो है लाली पहनाने का हर एक सिस्टम है। आप जो है अच्छे अच्छे आप कपड़ा पहना सकते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं मैंने, जैसे कि मैंने इनको जुब्बा पहनाया, और यहाँ जो है आप स्कूल यूनिफॉर्म पहना सकते हैं, जो है लड़की का ड्रेस पहना सकते हैं इनको, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सारा सिस्टम जो कि मैंने अभी पहली मरतबा आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, हालाँकि जो है ये न्यू अपडेट है, ठीक है दोस्तों ये न्यू अपडेट है, ऐसे करके कर देना है। देखिए दोस्तों ये जो है नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बैकग्राउंड पिक बन गया दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना। हालाँकि आप सेटिंग कर लीजिएगा आप बुरा है, हालाँकि मैं तो इतना काला नहीं हूँ लेकिन यह काला मैंने बना दिया, लेकिन आप उसी तरीके से जो है कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके वो जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।